तो बच्चों, जिस बात का आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो सच हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वर्ष कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं होगा और मेरे हिसाब से ये बहुत सही फैसला है। अगर ये एग्ज़ाम करवाए जाते तो विद्यार्थियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करना पड़ता और इतनी संख्या में बच्चों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है और ऐसे में अगर एग्ज़ाम करवाए जाते तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता और बहुत मुमकिन था क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी इसकी चपेट में आ सकते थे। मैं कहूंगा राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और इस कदम की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में कैसे प्रमोट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस संदर्भ में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। ये सभी बातें राजस्थान सरकार भारत सरकार के MHRD डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को डिस्कस करने के बाद ही कुछ फैसला ले पाएंगे। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि इस समय का लाभ उठाएं और नई नई चीज़ें सीखें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप उनको ज्वाइन करें और कुछ कुछ नया सीखते रहें। आप अपने इस समय को बर्बाद ना होने दें क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो बेहतर है कि आप इसको यूटिलाइज करें और कुछ नया सीखें। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।